तू आज मुझसे कह रहा था कि तूने 1500 रुपए उड़ाए हैं कहीं से, हो सकता है मेरे गल्ले से ही उड़ा दिए हो तुम्हें। सेठ जी, मैंने तुम्हें अपना समझ के अपनी एक बुरी आदत बताई कि चलो मुझे वो लत है, मेरी गंदी आदत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी दुकान साफ कर दी। 5-5 कस्टमर छोड़ के मैं तुम्हारा बटुआ देने यहाँ आया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, और ये घर का है तुम्हारे, घर का करके एक दिन लहंगे की दुकान साफ कर जाएगा, अचार रख लेना इसका, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अबे आदत है तेरी, लत है तुझे। सीधे से बैठना छोटे, पीछे पीछे। छोटे पीछे हो ना थोड़ा सा, देख रहे काम कर रहा हूं, तू सीधा बैठ, गाल कट जाएगा तेरा। सुन तो छोटे, कोई छोटे वोटे ना रहता यहाँ, जितने भी छोटे बड़े थे ना सबको अकल आ गई है, सब छोटे बड़े हो गए हैं, टाइम खराब ना करो, काम करने दो। अरे माफी मांग तो रहा हूँ, माफ कर दे यार। जाओ आराम से अपना काम करो, लेकिन आज के बाद मेरी दुकान में ना आना, और आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम ना करूंगा। अरे तूने मुझे दोस्त बोला था ना, अब देख दोस्तों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। अरे सेठ जी गलती की बात ना है, असल में तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, बहुत बुरा लगा मुझे। अरे तो वही तो जोड़ने आया हूँ, मैं बहुत गलत था, बहुत ज्यादा ही गलत था। मुझे क्या बताऊं, मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे जो ना है ना, वो कि चुड़ैल का साया है, CCTV पे देखा था हम सब ने एक साथ, वही पैसे चुरा रही है मेरे घर से। क्या बात कर रहे सेठ जी, तुम्हारे घर में चुड़ैल का साया है, मतलब पैसे का क्या करेगी चुड़ैल? अरे कलियों की चुड़ैल है, ऊपर से औरत है, कहीं लगी होगी सेल, उसे पैसे की जरूरत होगी तो मेरा घर देख लिया, वो यहाँ से पैसे चुरा रही है वो। माफ कर दे यार, तू माफ कर दे छोटे। अरे भावनाओं में क्यों बे, अरे बोल तो रहा हूँ माफ कर दी, अब काम ना करूँ क्या? काम नहीं, अरे सेठ, अरे 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 ऐसे चुप सेठ, अरे मैं कह रही हूँ ऐसे चिपक रहे, देखो कैसे गले कैसे देख रहे हैं, ये देखो लोग क्या समझेंगे, दुनिया देख रही है तुम ऐसे चिपक रहे हो, मतलब अरे उसकी, अरे आधी चल कल, अच्छा शाम को आ जाइयो, घर पर पहुंच ले, घर पर पहुंच ले। सुन सुन छोटे यार, तू वो स्पेशल वाली जो है ना मालिश कर दे मेरे यहाँ, चल। अरे सेठ जी तुम ना, अबे छोटे, अबे क्या कर रहा है? नमस्कार भाई साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे आओ आओ मौसा, बड़ी लंबी उम्र है, बहुत सही टाइम पे आई तुम। अच्छा, अबे कोई भूतनी वूतनी लिपट गई क्या तेरे से? अरे ना ना मौसा, ऐसी बात ना है, असल में जो अपने सेठ जी है ना, हाँ, इनके घर में चुड़ैल का साया आ गया है, एक चुड़ैल है चोरनी, पैसे सामान सब ले लेके भाग रही है इनका। अबे तो फिकर क्यों कर रहा है? अबे बेटा मेरे आगे कोई चुड़ैल बुड़ैल ना टिक पाती, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से, हाँ पता कर लेते हैं, कर लेता हूँ चुड़ैल से मीटिंग, आ रहा हूँ आपके घर गारंटी से, जे मैं कह रहा हूँ। अरे भैया आ जाना है, जल्दी कर यार, क्या कर रहे हैं तू? अरे कसका कर ऐसे हो, अपना प्लान शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ चलो 1 2 3 जी, आप तो कह रहे थे कि एक ही चुड़ैल है, यहाँ तो तीन तीन नजर आ रही है। कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? तम है ये चुड़ैल ना है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, और ये मेरे किराएदार की बीवी है। अच्छा 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 अच्छा, और इसे मतलब इन्हें कहाँ से उठा लाए? अरे उठाना लाया हूँ, ये छोटे मौसा जी है, चुड़ैल पकड़ते हैं चुड़ैल। अच्छा अंकल,
वो चुड़ैल ना मेरे कमरे में घूम रही थी कल। आप प्लीज उसे भगा दो, प्लीज हमें बड़ा डर लग रहा है। अरे तुम डरते क्यों? अभी आप सबके सामने उस चुड़ैल को लाके यहीं पटकता हूँ। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। किधर है कमरा बताओ जरा। ये वाला है। जा 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 जाओ जाओ। अरे जा रहे हूँ, ऐसे थोड़ी आवाज कम करो जरा। घुसो तो। अरे जाओ। अच्छा काटेंगे काटेंगे, नींबू काटेंगे। अच्छा जा जा। तो तू है वो चुड़ैल, जल्दी से अपना नाम बता और पता बता गारंटी से। Like a diamond in the sky. ओह, तू ऐसे ना मानेगी? तुझे तो मैं बोतल में बंद करके ले जाऊंगा, जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले, तू ना ऐसे ना मानेगी। ये ले चुड़ैल। अरे अरे बचाओ, अरे छोड़ दे, मार दिया। अरे बचाओ, क्या हो गया भाई साहब? अरे सेठ जी, ये चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक टाइम की है। अरे मैंने सारे जादू मंत्र टोने टूटके सारे कर डाले, लेकिन ये ना मानने वाली, ये नहीं मान रही। एक काम करो, आप इसे ये कमरा दे ही दो। और मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। कौन बचाएगा? सुन करू, ये तो मौस आगे बस में भी ना आई। एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है, क्या चल रहा है वहाँ पे। इलायची के पापा, मेरा जाना जरूरी है क्या? पागल हो गई क्या? तुझे अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पे? छोड़ पीछे से आ गई तो। सुनो, तुम लोग सुनीता के घर जाओ, जाओ। यहाँ मत खड़े रहियो, वरना चुड़ैल आ जाएगी। हाँ बेचारे पापा, लेकिन हम डरना नहीं और आराम से मतलब ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। ओके बाय। चलो 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 करू। हाँ। आजा। हाँ। आजा। हाँ। अरे आना। हाँ। यहाँ तो कोई भी ना है कमरा में। इलायची के पापा, आज के बाद ना इलायची इस कमरे में नहीं सोएगी। क्या मुसीबत है, ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से हमारे पीछे पड़ गई। ना तू ना है, तू तो करू ही है। अरे तू भी ना, चुप रह। ऐसी शक्ल मत बना, चुड़ैल को लगेगा उसकी बहन खड़ी है यहाँ। क्या है, काम करना है? कोई काम धंधा नहीं है क्या? हट। क्या है आंटी जी? अरे ड्रामा कंपनी में काम करते हैं हम।
देख रहे हैं आप इलायची जी कैसे चलते फिरते लोग हमें घूर के जा रहे हैं। जिया जी यार इतने क्यूट वाले चुड़ैल लग रहे हैं, मतलब मैं तो सोच रही हूँ मेरी नजर ना लग जाए आपको। इलू मुझे तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि पिंटू भाभी जैसी सीधी सादी सी औरत इस चुड़ैल के साथ एडजस्ट कैसे करती होगी। अब क्या बताएं सुनीता जी, बस ये समझो जैसे तैसे कट रही है। बस गुगु तुम ना इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम जैसा तुम्हारा मन है ना वैसी तुम्हारी शक्ल दिख रही है। बुबू वो क्या है ना कि ये तो कॉस्ट्यूम है बड़ी जल्दी उतर जाएगा, लेकिन क्या है कि तुमने हमारे साथ रहना है तो जरा सोच समझ के मुंह खोलो। वो देखिए ओ सफेद भैंस, कहाँ भैंस उड़ रही है। सुनो तो सही कह रही थी ये ना बड़ी लड़ाकू चुड़ैल है। देखिए लाइची जी हमें हमें समझ में नहीं आता कि हम आपकी बातों में हर बार फंस कैसे जाते हैं। नो हर बार नहीं आते हम मेरी बातों में। अच्छा जीजा जी चुड़ैल वाली सेल्फी। हाँ ले लो लो। क्या बोल रहा है? ले लो ले लो। अरे रब्बा जीजा जी आप तो इतने गोरे लग रहे हो ना, मुझे तो ना आपको देख के कॉम्प्लेक्स ही आ गया। सुनीता जी हम गोरे नहीं लग रहे हैं, सफेद लग रहे हैं। अरे वरी नॉट जीजा जी, मैंने लाई चीज यार। मैंने पिंटू भाभी से कह के आपके कपड़े पहले से मंगा लिए थे, तो आप जाके चेंज कर लो और आज रात लास्ट और उसके बाद शो टाइम। ठीक है। अरे भैया ये तीखे से चुड़ैल को तीखे वाले गोलगप्पे खिलाओ ना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा बना दूंगा। मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना। क्या कर रहे हो तुम लोग, हर समय फोन फोन फोन, खाना खा ले। जी पापा। हाँ वही करो। ये एक्स्ट्रा प्लेट किस लिए रखी है तूने? नहीं ऐसा तो नहीं अपनी मेहमान नवाजी के चक्कर में चुड़ैल को भोज में बुला रही हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, वो चुड़ैल का नाम हमारे घर के राशन कार्ड में नहीं है, ये तो मैंने पंचम के लिए रख। अरे पंचम तो आया ही नहीं खाना खाने, पंचम कहाँ है? वो कहा ना गुगू की आज दावत है, दोस्त गया है। अकेले अकेले दावत पे गया, तुझे नहीं ले गया पिंटू? मर्दानी दावत है ना। हैं? मतलब वहां ना सिर्फ मर्दों की दावत है तो मर्द मर्द गए हैं। पिंटू भाभी फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए था। क्या बोल रही है तू? अरे सोचा तो कर पहले बोलने से पहले, है मर्दों की दावत में इसका क्या काम? हाँ तो अच्छा है ना, यही है मेरे पास। यही है ये हम सबके पास, खाना खा रहे ना मेरे साथ। पंचम जी सेठ जी अब आराम से खाना खाइए। ठीक सेठ जी। अरे वांटी जी आज आपने खीर बनाई है? हाँ। हो आपने खीर बनाई है? माय गॉड पता है मम्मी पापा मैंने कहीं पढ़ा था कि खीर ना चुड़ैलों की फेवरेट होती है। कहाँ पढ़ लिया तूने? स्कूल की किताबें तो पढ़ी ना जा रही है, ये बेफजूल की किताबें पढ़ रही है, बेकार की बातें बात कर रही है बेकार की तू भी। इलायची पापा एक बार अपने मोबाइल पे देख लो ना। क्या देख लूं? अरे देख लो ना कहीं वो चुड़ैल हमारे आसपास तो नहीं है। हाँ देख रहा हूँ।
लगता है चली गई। जाने क्या रे? हमारे पास ना अचार भी है, अब कौन सा पसंद करोगे, मिर्ची का या नींबू का? नींबू अचार से मुझे नफरत है, सिर्फ खीर तो। चुड़ैल जी एक बात बताइए, आप हमारे घर पे क्यों आई हैं? आपके आने का कोई तो कारण होगा। कारण है ये जो तुमने नया सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैं कैमरा की दुनिया में रहती हूँ। मैं यहाँ पर कैद हूँ, मैं क्लोज सबका चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी कैमरा होता है मैं वहाँ आ जाती हूँ। लेकिन कैमरे तो और भी जगह है, अब वहाँ क्यों नहीं जाती? ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन मुरारी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मेरा दिल तुम पे आ चुका है। सीसीटीवी कैमरा हो तो तुम मेरी केबल वायर हो। चुड़ैलियत कायम रहे। देखिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको इस सीसीटीवी कैमरे से आजादी दिला सकता हूँ, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, यह कैमरा निकलवाने की कोशिश भी मत करना, हिम्मत भी मत करना मुरारी। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है, मैं एक अतृप्त आत्मा हूँ। मैं यहाँ पर खुश हूँ मुरारी, चुड़ैलियत कायम रहे। बहुत डर लग रहा है इलायची, कहीं वो कैमरे वाले चुड़ैल तेरे पापा से ना चिपट जाए। नहीं मम्मी,
एक टाइम पे एक ही चड़ल चिपटेगी ना पापा को। मतलब है प्यार से आपको चुड़ैल बुलाते ना पापा, चुड़ैल ऐसे। अरे यार फ्री का मत रो यार मम्मी यार। चुक। आंटी जी प्लीज स्माइल लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे एक मिनट बंद कर भाई, देखो ऐसा है ऊपर के सारे कैमरे तो मैंने निकाल लिए। इलायची के पापा उसने कुछ किया तो नहीं ना? हाँ किया ना, फेशियल की मेरी, देख गोरा सा लग रहा हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रही हूँ इलायची के पापा? तो अपना सवाल भी तो देख, पूछ रही है कुछ किया तो नहीं उसने। सेठ जी हम दुकान और इलायची जी के कमरे के भी कैमराज निकाल लेते हैं। हाँ जा। हाँ हाँ मैं चलती हूँ आपके साथ। जा तू कहाँ जाएगी है, बोल रही है मैं भी चलती हूँ। अरे छुड़ैल का मामला है, मैं रिस्क ना ले पाऊंगा। हाँ गुजरा चल जा। ना ना सेठ जी ऐसी कोई बात ना है, भूत चुड़ैल प्रेत ये तो सब सौ कोस दूर आते हैं गुगु से। अब इन्हें आप डर ना लगाते, कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से इनको सब डर निकलियो। ये हाँ सेठ जी हमने कैमरा निकाल के। कैमरा तो निकाल लिए लेकिन भरोसा नहीं, वो चुड़ैल जो है कभी भी बदला लेना टपक सकती है। अरे यार डोंट वरी पापा, उसने क्या बोला था, वो कैमरा वाली चुड़ैल है, जब तक कैमरा चलता है तब तक उसकी चलती है, एक बार कैमरा हट गया तो उसका आतंक भी हट गया, समझ जाओ यार। सुनो हाँ। मैं सब सबको बता रहा हूँ, कोई पता नहीं भरोसा नहीं है कुछ उसका, आज रात को कोई ना सोएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू सो रही है? हाँ? नहीं आँख है खोलना। हाँ, खोले हो ना, खोल। आप सही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.